ये रूस के खार्किव से महज 80 किलोमीटर दूर रूस का बेलगोरो शहर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रूस के लड़ाकू विमान, तोप, रॉकेट लॉन्चर्स अपने ही इलाके पर भारी बमबारी कर रहे हैं। रूस का दावा है बेलगोरोद के इन इलाकों पर यूक्रेन समर्थित विद्रोहियों ने हमले की कोशिश की थी, लेकिन अब उन्हें खत्म कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन समर्थक 70 विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। दरअसल बीते शनिवार को बेलगोरोद के एक सैन्य अड्डे पर भीषण हमला हुआ था। इसमें 11 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। इसी के बाद रूसी सेना की तरफ से अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर दोबारा कब्जे के लिए बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इधर यूक्रेन के बखमूत पर रूस के कब्जे के बाद यहां तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। इन्हीं खंडर इमारतों पर ही रूसी सेना अपना झंडा लहराकर जीत का जश्न मना रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन अब भी बखमूत में अपनी मौजूदगी के दावे कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक दक्षिण पश्चिम यूक्रेन के बाहरी इलाकों में अब भी रूसी सेना के साथ उसके लड़ाके दो दो हाथ कर रहे हैं।